गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अगस्त 29, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहां पे करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक जो है थोड़े पुराने हैं, कुछ टॉपिक नए हैं, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे। इंडिया ने ताइवान के बारे में कुछ खास स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। वैसे इंडिया यूजली कभी देता नहीं है, लेकिन दिया है तो इसलिए थोड़ा खास हो जाता है। क्या वो स्टेटमेंट है, चाइना के इस पे क्या रिएक्शन है, थोड़ा उसको देखने के रहेंगे। और इंडिया ने ऐसा किया क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। इंडिया अगेंस्ट माइल न्यूट्रिशन, तो मोदी जी ने जो है मन की बात कही थी, तो उस मन की बात में उन्होंने एक दो स्कीम के बारे में बात कही है, और तो उन स्कीम के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आधार वोटर आईडी को लिंकेज करने के लिए आज फिर से द हिंदू में एक्सप्लेनर सेक्शन आया है। इससे पहले भी हम लोगों ने इसको एडिटोरियल में किया था, तो थोड़ा सा उसी को रिपीट करने वाले हैं और एक दो चीजें हम थोड़ी ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। और देखिए, हमें हिसाब को मैं यही बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने का मजा यही होता है, एक ही न्यूज को आप थोड़ा 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 करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते हो, उसके अंदर दो दो तीन तीन इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी ऐड होती रहती हैं और एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा बोलता हूँ, एनालिसिस को पूरा देखा करो लास्ट तक और मिस मत किया करो, ठीक है, क्योंकि एज ए स्टोरी काम करता है। अगर आप जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, आप सीधा मैगजीन जाके पढ़ना शुरू कर देते हो मंथ के एंड में, तो वो आपको ना बर्डन लगने लगता है, क्योंकि वहां पे स्टोरी नहीं बनता है, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता है। मैगजीन वगैरह में इतना स्पेस थोड़ी ना होता है, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। तो न्यूज़पेपर में जो है बहुत सारे डायमेंशन कवर हो जाती हैं। सुब्रमण्यम बालाजी केस आजकल, क्योंकि फ्रीबीज वाला मामला इतना ज्यादा चल रहा है, तो बिल्कुल सेंटर में आ गया है सुब्रमण्यम बालाजी केस। और हमारा जो राइट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, और ये दोनों से रिगार्डिंग है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया था, उसको अभी रिवाइव करने की बात चल रही है, रिव्यू करने की बात चल रही है, उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग एंड थ्रेट हल्का सा छोटा सा टॉपिक है और कुछ खास वैसे इसमें था नहीं, थोड़ा देख लेंगे इसको भी। जापान एंड जेंडर पैरिटी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनल लेवल पे जाके। आज हम लोग बात करेंगे कि जापान के अंदर इतना ज्यादा जेंडर इनइक्वालिटी क्यों है। यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि जापान की सोसाइटी दुनिया की सबसे बेस्ट सोसाइटी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे काफी ज्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है। क्यों है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे जापान के बारे में। और इंडिया एक्चुअली यहां से क्या लेसन ले सकता है अपने फ्यूचर के लिए। तो देखिए, ऐसा होता है ना दोस्तों, हमेशा सीखने के लिए खुद गलती करना जरूरी नहीं है, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अगर खुद गलतियां करके ही सीखोगे तो भैया जिंदगी फिर तो छोटी पड़ जाएगी, समझ रहे हो। कभी कभी दूसरों से लेसन भी ले लेना चाहिए, राइट। तो इसलिए जो है हम लोग जापान से लेसन ले सकते हैं, जापान ने क्या गलतियां करी हैं, इंडिया उस गलती को ना करे, तो इसको थोड़ा इसमें देख सकते हैं। इंडिया पोस्ट इश्यूज एंड सॉल्यूशन, ये तो मैंने ऐसे बस अपने फन के लिए डाल दिया था, तो थोड़ा इसको हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस है, इंडिया पोस्ट है, वो कैसे काम करता है, हमारा जो पिन कोड होता है उसका क्या रेलेवेंस होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे चेंजेस आ गए हैं। पहले तो लोग चिट्ठियां लिखते थे ना, आजकल तो चिट्ठियां नहीं लिखते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बात हम यहाँ पे हल्का फुल्का कर सकते हैं। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। लेकिन आज बड़ा ही खास दिन है, आज है भैया नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो मेजर ध्यानचंद जी का जो है आज जन्मदिन है, इनको बधाई देंगे सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बधाई देंगे। तो स्पोर्ट्स डे है, भैया जबरदस्त रहे हैं, जादूगर माने जाते हैं हॉकी के। ऐसा कहा जाता है कि इनकी हॉकी को भी जो है इनकी हॉकी को फाड़ दिया गया था ये चेक करने के लिए, भाई इसके अंदर ऐसी क्या खास चीज है। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने 1937 में जब ये ओलंपिक खेल रहे थे, तो हिटलर ने इनको ऑफर किया था कि आप जो है जर्मनी की सिटीजनशिप आपको दे देते हैं और हम आपको अपनी आर्मी के अंदर कर्नल बना देंगे। तो इन्होंने खैर उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। एक्चुअली में ऐसा हुआ था कुछ पता नहीं है, बट स्टिल। तो 1905 में इलाहाबाद में इनका जन्मदिन हुआ। और ध्यानचंद की तो लोग जानते हैं, लेकिन इनके जो ब्रदर थे रूप कुमार जी, वो भी बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर। इनसे वो मतलब इनके बराबर ही समझ लीजिए, थोड़ा सा कम, ठीक है। तो उनकी स्टोरी भी बड़ी इंस्पायरिंग, इनके ब्रदर की स्टोरी भी। तो इनके फादर साहब थे वो ब्रिटिश के लिए काम करते थे, फिर बाद में उन्होंने जाके ज्वाइन किया। शुरुआत में इनको हॉकी में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, आर्मी ज्वाइन करने बाद इनको इंटरेस्ट हुआ। फिर 1928 में जब पहली बार ओलंपिक में गए, तो भैया ओलंपिक जीत के आए, और इन्होंने पूरे लास्ट मैच में जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है 3 गोल दाग दिए। फिर 1932 में भी बहुत ज्यादा गोल इन्होंने किए। एक्चुअली 1934 में मुझे लगता है 36 या 37 टोटल गोल हुए थे, जिसमें से 25 गोल थे दोनों भाइयों ने ही कर दिए थे, चांद कुमार जी ने, उनके ब्रदर ने, जिन्हें कहा जाता ट्विन्स, ट्विन मैजिक्स ऑफ हॉकी। तो इनके ब्रदर भी काफी बड़े प्लेयर थे, और विजर्ड ऑफ हॉकी इनको कहा जाता है। तो बड़ी बड़ी बातें हैं इनके नाम पे, और इंडिया का जो खेल रत्न है भैया वो इन्हीं के नाम पे दिया गया है, राइट। तो इनको बधाई देंगे सारे के सारे स्टूडेंट। आज जो है
फ्रंट पेज में क्या है, फ्रंट पेज में देखिए ये तो कोई खास न्यूज है नहीं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनने की बात हो रही है। जो है जो हमारे जो आईटी मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर हैं अश्विनी विष्णु वैष्णव जी, तो आपको पता है ना कि डेटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ने जो अभी लोकसभा से विड्रॉ कर दिया था, तो सरकार ने कहा कि भाई हम लोग नए लोग के साथ आएंगे, पुराने लोग अगर कुछ कमियां थी, क्या कमियां थी वो सरकार ने नहीं बताई, हमको कुछ रियलाइजेशन हुआ होगा, लेकिन अश्विनी जी का कहना है कि हम लोग जल्दी ही पार्लियामेंट्री जो सेशन होगा अभी बजट सेशन उसके अंदर लेके आएंगे, नया बिल लेके आएंगे, उसको पास करवाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा इन्होंने ये कहा है कि डिजिटल इकोनॉमी है और राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, तो उन सारी चीजों का ध्यान में रख के एक नया बिल आएगा, डेटा प्रोटेक्शन बिल आपको अच्छे से मैंने करवाया था। खैर आगे बढ़ने से पहले एक तो आपको बोलता हूं कि हमेशा लाइक करके वीडियो को आगे बढ़ा करो, उसके बिना कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं जाएगा, और जितने भी एस्पिरेंट हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं तो हाय हेलो राम रमैया नमस्ते गुड मॉर्निंग सलाम नमस्ते कुछ ना कुछ किया करो, मुझे पता चले कम से कम कि कौन से एस्पिरेंट हैं हमारी रेगुलर एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कर दिया करो। और हम लोगों ने एनसीईआरटी का कोर्स भी लॉन्च किया है, तो 11 सितंबर से इसको लॉन्च करने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से करवाई जाएगी, यूपीएससी के परस्पेक्टिव से 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी को हम लोग कवर करवा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होते तब तक आप एडवांस स्टडी नहीं कर पाते हो, तो बेसिक्स कवर करने के लिए। तो ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक करोगे तो एडमिशन भी ले सकते हो। चलिए जी, तो आज की जो न्यूज है, देखिए वैसे तो फ्रंट पेज की ही न्यूज है ये, इंडिया रेफर्स टू ताइवान स्टेट मिलिटराइजेशन। ये बड़ी खास बात है क्योंकि इंडिया ने ऐसा पहला कभी किया नहीं, पहली बार इंडिया ने ऐसा कहा है कि ताइवान का हम लोगों ने नाम लिया है। देखिए ताइवान को हम लोग एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ये आपको पता होगा पहले से शायद, क्योंकि हम लोग वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं फ्रॉम 1949। वन चाइना पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हम लोग चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करते एज अ सेपरेट कंट्री। ताइवान जो है चाइना को करते हैं, ताइवान को नहीं करते हैं। ताइवान जो है वो यूनाइटेड नेशन का पार्ट भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया इंडिया के ताइवान के साथ रिलेशन नहीं है, इंडिया के ताइवान के साथ ट्रेड रिलेशन है, कल्चर रिलेशन भी है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो, दोनों में फर्क होता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन का होने का मतलब ये होता है कि आपने इसको सेपरेट कंट्री मान लिया है, लेकिन हम लोग मानते नहीं है। डिप्लोमेटिक रिलेशन हमारा चाइना के साथ है, इसके साथ नहीं है। लेकिन ये है देखिए यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट, ये है ताइवान स्ट्रेट, और इधर है लुजोन स्ट्रेट, ये आपका साउथ चाइना सी आ जाता है, इधर आपका ईस्ट चाइना सी आ जाता है ना, वो अलग अलग चीजें हैं। खैर तो बात यह है कि ताइवान स्ट्रेट, ये देखिए ताइवान स्ट्रेट है, अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ किस तरह से काम करता है ये, और ये है भैया चाइना का टेरिटोरियल वाटर, इधर है ताइवान का टेरिटोरियल वाटर। तो ये जो बीच में ताइवान स्ट्रेट के बीच में जो जगह है ना, जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, ये किसी की नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर है, समझ रहे हो ना, ना ये चाइना का है ना ये ताइवान का है, इंटरनेशनल कानून के हिसाब से। हालांकि चाइना तो सबको क्लेम करता है, क्लेम करने में क्या जाता है, क्लेम तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूं, है ना, क्लेम करने में कुछ जाता थोड़ी है। खैर तो हुआ ये कि इस ताइवान स्ट्रेट को जो है चाइना जो है काफी मिलिटराइज कर रहा है, और इंडिया ने पहली बार बेसिकली ताइवान का नाम यहाँ पे लिया है कि ताइवान स्ट्रेट को मिलिटराइजेशन नहीं किया जाना चाहिए, पीसफुल तरीके से रहना चाहिए। इसके पीछे रीजन है, ऐसे ही नहीं इंडिया ने बोला है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है ये, आपको सुनने में छोटी लग रही होगी, लेकिन ये इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को काफी लंबे समय तक इम्पैक्ट कर सकती है, समझ रहे हो। जैसे कल को अगर सिक्किम को बोल दे चाइना के भैया सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं है, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी ये, है ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता ही है ना, तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो रिलेशन खराब हो सकता है। इसके पीछे रीजन है, श्रीलंका। तो श्रीलंका में अभी इंडिया ने काफी हेल्प उनका किया, अभी डोर्नियर विमान भी दिए थे श्रीलंका के अंदर, चाइना का एक शिप आने वाला था, उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो इसी वजह से चाइना काफी नाराज है इंडिया से। और श्रीलंका में अभी चाइना के कुछ ऑफिशियल्स वगैरह ने विजिट किया था, जिसमें उन्होंने इंडिया को काफी अच्छी खासी सुनाई है। बेसिकली उन्होंने श्रीलंका को साफ साफ कहा है कि आपके जो नदर नेबर हैं, भैया नदर नेबर का मतलब तो इंडिया ही है ना, रशिया थोड़ी है, उन्होंने कहा है कि तुम्हारे नदर नेबर जो है वो अग्रेसिव पॉलिसी अपना रहे हैं। तो चाइना ने, इंडिया ने उसी रिएक्शन में ताइवान का नाम यहाँ पे लिया है। अभी वो भैया वो इंडिया नहीं रहा है कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे हम लोग शांति से सुनते रहेंगे, अभी आप अगर एक बात बोलोगे तो हम लोग चार बातें बोलोगे, क्योंकि आप भी दूध के धुले हुए नहीं हो, ठीक है। अब ये तो सब चीजें हो ही रही थी, ऊपर से अमेरिका ने यहाँ पे एक और पंगा कर दिया। ये देखिए अमेरिका का एक वॉरशिप पहुंच गया कहां, ताइवान स्ट्रेट के अंदर।
इंडिया से तो चली रही थी बयानबाजी, और आपको पता ही है कि जो पिलोसी हैं उन्होंने भी ताइवान का विजिट किया था, यूएसए की जो स्पीकर हैं कांग्रेस स्पीकर, तब से इनके रिलेशन वैसे ही खराब चल रहे हैं। तो इन्होंने जो वही आग में घी डालने का काम फिर से कर दिया, यूएस वॉरशिप भैया वहां पे पहुंच गया ताइवान स्ट्रेट में, तो आराम से पहुंचे और पहुंचते पहुंचते जो है इधर से टहलते टहलते आगे निकल गए। अब चाइना जो है वो खड़े खड़े देखता रहा। अमेरिका ने कहा कि भाई मैं तो इंटरनेशनल रूल को फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो ना तो तुम्हें भड़का रहा हूं ना तुम मुझे भड़काओ, सीधी सी बात है। क्योंकि अनक्लोज की जब हम लोग बात करते हैं, इंटरनेशनल कानून की जब हम लोग बात करते हैं, तो ताइवान स्ट्रेट का जो बीच वाला एरिया है वो इंटरनेशनल वाटर है, और इंटरनेशनल वाटर में कोई किसी को नहीं रोक सकता, आप आराम से जा सकते हो। तो अमेरिका का कहना ये है कि हम लोग तो भैया नेविगेशन एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ब्रिटेन कनाडा ये सब कंट्री लगातार वहां पर ये सब करती रहती हैं, तो थोड़ा सा ताइवान वाला हंगामा यहाँ पे हो गया है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 वो ताइवान के नाम पे ही होने वाला है, खैर हमें नहीं पता। तो ताइवान बहुत क्रूशियल है चाइना के लिए, क्योंकि ताइवान की अगर एक्सेस मिल जाती है चाइना को, तो आप ये समझ लीजिए कि उसको पूरे पैसिफिक ओशन की एक्सेस मिल जाती है, समझ रहे हो ना? आप ये छोटे छोटे आइलैंड देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे आइलैंड्स, ये सब ब्लॉकेज हैं चाइना के लिए, और इतने सारे आइलैंड हैं यहाँ पे छोटे 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 छोटे, और इन सभी के ऊपर या तो ब्रिटेन का यूएसए का कंट्रोल है। अगर बीजिंग में एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग पे चढ़ के आप देखोगे ना पैसिफिक ओशन की तरफ, आपको तो जो है अमेरिका के नेवल बेस देखने को मिलते हैं, इतने सारे नेवल बेस बना रखे हैं पैसिफिक ओशन में। तो चाइना उस प्रॉब्लम को तभी डील कर सकता है जब उसके पास ताइवान की एक्सेस आती है। तो इस तरफ ताइवान आ गया, फिलीपींस आ गया, ऊपर जो है उधर साउथ कोरिया आ गया, जापान आ गया, तो ये पूरा बैरियर बना हुआ है चाइना के लिए। लेकिन चाइना बड़ा डेस्परेट है, छटपटा रहा है, चाहता है कि पैसिफिक ओशन का एक्सेस उसको मिले। तो ये थोड़ी थोड़ी सी कहानी थी, आपको कहानी पहले से पता है, कोई नया कहानी मैंने आपको बताया नहीं है। खैर, आज का जो एक और टॉपिक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मन की बात में बहुत कुछ बातें बोलते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो इस बार जो इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे मन की बात किया, तो उसमें इन्होंने माल न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया। ठीक है, तो इंडिया में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, अनीमिक, बहुत सारी महिलाएं इंडिया में अनीमिक हैं, उनमें खून की कमी है। तो इन्होंने कहा कि भैया अभी देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत काल के हम लोगों ने अंदर एंट्री कर लिया है, तो आने वाले समय में माल न्यूट्रिशन से हमें लड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में माल न्यूट्रिशन की है। तो कुछ स्कीम्स का नाम इन्होंने लिया है जो काफी अच्छा काम कर रही है माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए। तो एक तो इन्होंने पोषण अभियान के बारे में बोला है, ठीक है, एक इन्होंने जल जीवन मिशन के बारे में बोला है। जल जीवन मिशन आपको पता है ना कि घरों में जो है वो टैप से पानी पहुंचाना है, साफ पानी पहुंचाना है गाँव में शहरों में, जल जीवन मिशन। एक इन्होंने पोषण अभियान के बारे में बात किया जो मैंने आज यहाँ पे स्लाइड ऐड कर रखी है। एक और इन्होंने बड़े अच्छे प्रोग्राम के बारे में बात किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट संपूर्णा। तो मैंने इनकी पूरी मन की बात से और इस पूरे आर्टिकल से दो चीजें निकाली हैं आपके लिए, ठीक है, थोड़ा बताऊंगा, ज्यादा समझना क्योंकि इतना समय हमारे पास न्यूज पेपर एनालिसिस में होता नहीं है, कंटेंट आपके लिए दे दिया है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप खुद भी समझ जाओगे। तो पोषण अभियान की शुरुआत दोस्तों वैसे 2018 में हुई थी, लेकिन 2017 से ही गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से काम कर रही थी। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसको बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है पोषण अभियान। इसका टारगेट क्या है? टू टैकल द माल न्यूट्रिशन, मतलब जो कुपोषण की जो समस्या है, ठीक है, उसको हम लोगों ने दूर करना है। इसके अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। बेसिकली इसका फोकस किसके ऊपर है? चाइल्ड माल न्यूट्रिशन को रोकने की इसके सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोकस है। तो इन्होंने कहा कि भैया 2022 तक हम लोग जो है इंडिया में माल न्यूट्रिशन को कम कर देंगे, एक तो इन्होंने ये कहा, ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि एक इसी के अंदर एक और मिशन है जिसका नाम है मिशन 25 बाय 2020, इसी के अंदर ये मिशन है। तो जिसके इन्होंने ये कहा कि हम लोग इंडिया में जो है जो हमारे टारगेट हैं उसको हम लोगों ने क्या करना है, इंडिया में जो स्टंटिंग है वो अभी कितनी चल रही है 38%, और 2022 तक उसको 25% कर देना है। तो ये मिशन है मिशन 25 बाय 2020। तो देखिए भाई 2020 तो निकल गया, अभी तक 2022 चल रहा है ना, कोविड की वजह से काफी पीछे चले गए हम लोग, तो हो सकता है इसको नाम बदल के अभी जो है 2024 भी किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे इस मैंने क्या बोल दिया, स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है? एक बच्चे की एज के हिसाब से जब उसकी हाइट इंक्रीज नहीं होती है उसे कहते हैं स्टंटिंग, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है, हाइट नहीं बढ़ती है। और एक बच्चे की एज के हिसाब से जब उसका वेट नहीं बढ़ता है, उसका वजन कम रह जाता है, उसे कहते हैं वेस्टिंग। ये दो अलग अलग टर्म है, वेस्टिंग मतलब वेट और हाइट मतलब स्टंटिंग, तो उसको कम करना है।
तो स्टंट को स्टंटिंग को रिड्यूस करना है, अंडर न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना है, अनीमिया, अनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक है। तो कितना कितना कम करना है, 2%, 2%, 3%, 2% पर एनम, हर साल का हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। और पोषण अभियान के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्वस्थ भारत प्रेरक जो है उसको अपॉइंट करते हैं, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी प्रोग्राम वहाँ पे लिए जा रहे हैं हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट करता है। और इवन वर्ल्ड बैंक से भी हम लोगों ने $200 मिलियन का यहाँ पे लोन लिया हुआ है फॉर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, मतलब पोषण अभियान। ठीक, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल पढ़नी है तो गूगल जाके आप आराम से कर सकते हो, अपने नोट्स वगैरह में भी उसको ऐड कर सकते हैं। फिर इन्होंने एक आसाम में एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चला हुआ है जिसका नाम है प्रोजेक्ट संपूर्ण, जो इन्होंने मोदी जी ने मन की बात में बोला था। ये क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली आसाम की जो है बेंगलोरगांव डिस्ट्रिक्ट से इसको शुरू किया गया था। इसमें होता क्या है पता है आपको, जैसे आंगनवाड़ी होती है ना हमारी, आंगनवाड़ी जो होती है, आंगनवाड़ी के अंदर ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनके बच्चों में अंडरवेट वाली और वेस्टिंग वाली समस्या है, ठीक है, उन बच्चों का आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी तरफ उसी आंगनवाड़ी में ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनके बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो, मतलब जिनके बच्चे हेल्दी हैं, ना वो अंडरवेट है ना वो स्टंटेड है। अब आपने दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया, कुछ मदर ऐसी होंगी जिनके बच्चे सही हैं, कुछ मदर ऐसी होंगी जिसके बच्चे माल न्यूट्रिशन है, तो उन दोनों माताओं को, दोनों मदर्स को आपस में इंट्रोड्यूस करवाना है। इन्हें कहा जाता है बड़ी मदर्स, जैसे आपस में हम लोग दोस्त होते हैं ना, बड़ी होते हैं, तो बड़ी मदर्स, जिसमें क्या होगा, जो हेल्दी बच्चे की मदर है ना, वो दूसरे बच्चे की मदर को हेल्प करेगी, उसके बच्चे की यू नो डाइट चार्ट बनवाएगी, क्या उसने खाना चाहिए, कब उसको दूध पीना है, कब जो भी चीजें हैं बेसिकली, है ना, वो उसका ध्यान देगी। तो ये दोनों मिलके जो है उस बच्चे की ग्रोथ करेंगे। तो प्रोग्राम तो काफी अच्छा है। तो पेयर बनाए जाएंगे आंगनबाड़ी के अंदर, और पेरेंट टीचर मीटिंग होगी हर मंगलवार को, ठीक है, तो आपस में बातचीत कर सकती हैं। और इसका काफी बेनिफिट भी मिला है बेसिकली। तो अंडा उनको दिया जाता है, बच्चों को दूध दिया जाता है, और बेनिफिट काफी ज्यादा मिला है। वहां की इन्फेंट जो डेथ हुआ करती थी आसाम में, वो काफी कम हो गई, ठीक है, और स्टंटिंग भी काफी कम हो गई, माल न्यूट्रिशन भी काफी कम हो गया। तो ये जो प्रोजेक्ट संपूर्ण है, क्या हम इसको पूरे ऑल इंडिया लेवल पे नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेट्स सी कब होगा, लेकिन प्रोग्राम के बारे में आपको बताना था जस्ट, ठीक है, हल्का फुल्का मैंने आपको बता दिया। कभी कभार प्रीलिम्स में जो है इस तरह की स्टेटमेंट वो आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। चलिए, द कंसर्न्स अराउंड द आधार वोटर आईडी लिंकेज, क्योंकि ये पुराना टॉपिक है, पहले इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए आज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली बात क्या है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने 1st अगस्त से ये कैंपेन लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम लोग वोटर आईडी कार्ड को किससे लिंक कर रहे हैं, अपने आधार कार्ड से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब जो हम लोगों ने बिल पेश किया था जिसमें हम लोगों ने इसको लिंकेज करना है, उस बिल में ये कहा गया कि ये जो लिंकेज है ना भाई, वो वॉलंटरी है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, जिसका मन करे लिंकेज करवाए, नहीं करे तो मत करवाओ। लेकिन अभी कई ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि ये जो ब्लॉक लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं, जो ये सब काम करते हैं लिंकेज वाला, वो जनता को क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं लिंक करवाने के लिए। और कई लोगों के एक्चुअली वोटर आईडी कार्ड उन्होंने कैंसिल भी कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया था। तो ये तो गड़बड़ हो गई। पार्लियामेंट में सरकार बोल रही है कि वॉलंटरी है, ग्राउंड लेवल पे कह रहे हैं कि भैया मैंडेटरी है। एक्चुअली कानून जब पास हुआ था, इसके बाद में सरकार ने एक फॉर्म 6B वहां पे ऐड कर दिया था, जो कि कानून के अंदर नहीं था, बाद में ऐड किया गया, और इसके तहत जो है वो आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट वो कंपलसरी है। तो उसको लेके ही थोड़ा सा ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे है। अब वोटर आधार कार्ड को, आईडी को जब आधार कार्ड से आप जोड़ दोगे, इसके कुछ बेनिफिट हैं, इसलिए तो सरकार ने इसको लॉन्च किया है। बेनिफिट इसका यह है कि सरकार का ये कहना है कि बहुत बार जो जैसे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ये दूसरे लोग होते हैं, वो कई जगह पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। जैसे मान लो झारखंड में से आप अगर मुंबई जाते हो काम करने के लिए, तो आप झारखंड में भी रजिस्टर्ड हो, आप मुंबई में रजिस्टर्ड हो जाते हो। कई बार ऐसा होता है एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड हो जाते हो। तो ये जो बोगस वोटिंग कार्ड वगैरह बनाए जाते हैं ना, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे फ्रॉड क्रिएट होता है। तो इस फ्रॉड को दूर किया जा सकता है, क्योंकि आपने उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया है। अब आधार कार्ड तो एक ही है, तो एक ही जगह पे लिंक हो पाएगा, दूसरी जगह वाला आपका जो वोटर आईडी था तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा।
तो एक तो इससे फ्रॉड रुक जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। इसको जेंडर न्यूट्रल भी बना दिया गया है कई सारे केस में। और जो प्रोक्सी कास्टिंग होती है वोट की, वो भी यहाँ पे नहीं होगी। प्रोक्सी कास्टिंग समझते हो ना, कि जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मेरा वोटर आईडी कार्ड आपके पास है और जो चंडीगढ़ का बना हुआ है, तो मैंने वोटर कार्ड आपको दे दिया, आपने मेरे भी यहाँ पे वोटिंग डाल दिया, तो वो सब यहाँ पे नहीं चलने वाला है। तो एक तो इन्होंने प्रोक्सी उस चीजों को भी यहाँ पे रोक दिया है। और क्योंकि बायोमेट्रिक होती है ऑथेंटिफिकेशन आधार कार्ड की, तो इसके अंदर काफी अच्छी एफिशिएंसी भी होती है और कॉस्ट एफिशिएंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो कुछ कुछ इसके बेनिफिट थे जो सरकार ने बताए थे बिल को पेश करने से पहले। लेकिन इशू भी होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके तो चार पांच पहलू हैं। तो ये तो इशू क्या है, सबसे बड़ी बात ये कि भाई पहली बात यहाँ पे प्राइवेसी वाला इशू सबसे बड़ा आता है। राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आधार कार्ड की लिंकेज आप जब चली जाएगी सरकार के पास, आपका वोटर आईडी कार्ड की लिंकेज, आपका पूरी डिटेल चली जाएंगी, तो सरकार जो है वो लोगों की प्रोफाइलिंग कर सकती है, जिससे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा। दूसरी बात भाई, आधार कार्ड जो है ना वो तो सिटीजनशिप का प्रूफ थोड़ी है, वो तो रेजिडेंसी का प्रूफ है। आधार कार्ड बनाने का मेन पर्पज क्या है, कि आपको सुविधाएं दी जाए सरकार के द्वारा, समझ रहे हो ना। ये कोई सिटीजनशिप का प्रूफ थोड़ी है। एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट के पास भी आधार कार्ड हो सकता है भी बहुत लोगों के पास, लेकिन क्या वो सिटीजन है? नहीं। वोटर आईडी जो है वो तो सिटीजनशिप का है ना प्रूफ है, आधार कार्ड तो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तब दोनों को मर्ज कैसे कर रहे हो, जब दोनों का फंक्शन ही अलग अलग है? पहली बात तो ये, तो ये सबसे बड़ा इशू तो इसमें ये है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि भाई आप आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड को लिंक करोगे तो आप डुप्लीकेशन को तो टैकल कर लोगे, है ना, क्योंकि एक आधार कार्ड होता है तो आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते दूसरा। लेकिन इससे आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि सिर्फ सिटीजन ही वोट करेंगे, क्योंकि आधार कार्ड तो नॉन सिटीजन का भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि और जो काफी खास है यहाँ पे, कि जो आधार कार्ड है उसको कौन रेगुलेट करता है, कौन देखता है? उसको देखता है UIDAI, ठीक है। लेकिन वोटर आईडी को कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये दोनों अलग अलग बॉडी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और UIDAI जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो दोनों के बीच में कैसे आप कोऑपरेट करोगे, इसके लिए आपने कुछ जुगाड़ यहाँ पे लगाया ही नहीं। दूसरी बड़ी बात, 2015 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसे ही लिंकेज किया गया था। आपको पता है आंध्रा के अंदर तेलंगाना के अंदर 30 लाख लोगों की नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हट गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उस पूरी स्कीम को रोकना पड़ा। अब जब भैया पूरे देश में आप करोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, सोच के देखिए पूरे देश में अगर होगा तो कितने करोड़ लोगों का जो है वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, सोचने की बात है। तो इश्यूज तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो कुछ और इश्यू मैंने यहाँ पे डाला, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया ना, UIDAI और आधार कार्ड अलग अलग जो है काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज, पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। वे फॉरवर्ड में क्या है, ये देखिए बना बनाया ऐसा वे फॉरवर्ड होता है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं भैया सबको कंसल्ट करो, जनता को कंसिडर करो, NGOs को कंसिडर करो, सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है, सबसे कंसल्ट करो, उसके बाद आगे बढ़ो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि लिंक मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए सरकार को कैंपेन चलाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि भैया लिंक मैंडेटरी नहीं है, मर्जी आए तो करवाओ, नहीं आए तो मत करवाओ। तो ये तो क्योंकि लोगों को तो ऐसा ही लगता है ना कि मैंडेटरी है और जिसका मिसयूज हो सकता है, तो ये बड़ी बात हो गई। और डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन को भैया जल्दी से जल्दी पास करवाओ, अभी आपने विड्रॉ कर लिया है तो बजट सेशन में लेके आओ, ठीक है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, है ना। चलिए इसको थोड़ी देर में करेंगे जापान वाले को, जो है थोड़ा सा इधर चले पड़ते हैं हल्का सा आपके लिए जो, हाँ जी, एक्सप्लेनर सेक्शन में। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया है। जो है ये केस जो है सुब्रमण्य बालाजी और तमिलनाडु वाला केस जो है काफी पुराना है। इसमें काफी फनी भी चीज है, एक आपको बताऊंगा। देखिए क्या हुआ, 2006 में एक केस आया बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और तमिलनाडु में होने वाले थे इलेक्शन, ठीक है, 2006 में इलेक्शन हुए, जिसमें DMK की जो गवर्नमेंट है उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये मेंशन किया कि अगर वो पार्टी में जीत के आते हैं, पावर में आते हैं, तो वो हर घर के अंदर जो है कलर टेलीविजन देंगे, एक टीवी देंगे। जिन घरों के अंदर टीवी नहीं है उनको टीवी देंगे, गाँव में भी शहरों में भी, बड़ा लंबा चौड़ा वादा है। तो लोगों ने क्या किया, टीवी लेने के चक्कर में DMK को पावर में ले आए, DMK जीत गई, और फिर बाद में DMK ने 30,000 टीवी खरीदे, लोगों को दिए, जिसमें उनको टोटल 750 करोड़ का खर्चा आया। इस तरह से DMK पावर में आ गई,
एक तरह से कम आप ये कह सकते हो कि डायरेक्टली वोट उन्होंने खरीद लिया टीवी देके, काफी महंगा पड़ा होगा, टीवी 25-30 हज़ार का तो कम से कम आया ही होगा, इतनी महंगी वोट उन्होंने ले लिया। एक फैमिली में अगर आप मान के चलो 4 या 5 मेंबर भी हैं तो एक वोट के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये उन्होंने दिया है। खैर अब वो ये फ्रीबी है ना, इट्स अ फ्रीबी। अब भैया डीएमके के जो कॉम्पिटिटर पार्टी है वो कौन सी है, एआईडीएमके। अगले बार जब इलेक्शन हुए तो एआईडीएमके वाले पावर में आने के लिए इनसे 4 हाथ आगे निकल गए। अब सोन के देखने ने क्या क्या प्रोमिस किए, इन्होंने कहा एआईडीएमके ने, जो कि जयललिता जी की पार्टी हुआ करती थी, अभी तो वो नहीं रही, इन्होंने कहा भाई हम हर किसी को ग्राइंडर देंगे, आपके घरों में मिक्सी देंगे, बिजली से चलने वाले पंखे देंगे, लैपटॉप कंप्यूटर देंगे, 4 ग्राम सोने की थाली देंगे, आपके घर में अगर किसी बेटी की शादी होती है तो 50,000 रुपए देंगे, ग्रीन हाउस देंगे आपको, 20 kg राइस देंगे आपको अगर आप राशन कार्ड होल्डर हो तो, ठीक है, अगर कुछ और कमी, हाँ, और सबसे बड़ी बात, आपको एक कैटल देंगे, आपके घर में एक भैंस या गाय बांधेंगे, और आपको एक एक जो है शीप देंगे, एक बकरी भी देंगे। सोच के देखिए, ये फ्री भी नहीं है तो क्या है, समझ रहे हो। तो इस सभी के चक्कर में चला गया मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, केस डाल दिया किसी आदमी ने कि इन्होंने कहा कि भाई ये क्या फालतू बातें चल रही हैं, ये तो डेमोक्रेसी का पूरा पूरा खत्म कर रहे हो आप, डेमोक्रेसी को ना, सीधा सीधा वोट खरीद रहे हो। हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया, सबसे बड़ी बात, ठीक है। हाई कोर्ट ने जब उस केस को डिसमिस किया तो ये चला गया केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस कोर्ट को केस को कहा जाता है बालाजी केस जजमेंट, जिसमें ये आर्गुमेंट दिया गया कि भाई साहब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो नेता लोग, उनके जो मैनिफेस्टो के अंदर वादे किए जाते हैं फालतू के, ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 123 के अंदर में, करप्शन के अंदर में आता है, ये सीधी सीधी करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि इससे स्टेट के एक्सचेकर के ऊपर बर्डन पड़ता है, लेकिन इसे हम लोग करप्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी की स्कीम है, ये उनकी वेलफेयर स्कीम है, और वेलफेयर स्कीम को आप करप्शन नहीं कह सकते, ठीक है, ये उन्होंने कहा। और पॉलिटिकल पार्टी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये तो डीपीएसपी है, हम ये जो स्कीम लेके आते हैं तो फालतू में लोगों को नहीं देते हैं, ये वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, और ये हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में आता है, और ये हम सब जो है लोगों का प्रमोट करते हैं वेलफेयर को। उन्होंने कहा भाई आपने टीवी क्यों दिया, ये क्या वेलफेयर करता है, उन्होंने कहा बिल्कुल करता है, इससे एक तो जो हमारी महिलाएं होती हैं घरों में उनका मनोरंजन हो जाता है, जो बहुत जरूरी है ना, सारा दिन में घर में काम करते परेशान हो जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि वीमेन एम्पावरमेंट करता है। दूसरी बात, इसकी वजह से वीमेन न्यूज देखती हैं, दुनियादारी के बारे में उनको पता चलता है, तो अपने राइट्स को लेके अवेयर होती हैं, तो सीधी सी बात है भाई टीवी जो है एक, आप क्योंकि अगर आप हाउस वाइफ हो, आपके घर में टीवी नहीं है, तो आपको समाज का नहीं पता चलता है, तो उन्होंने कहा कि ये अवेयरनेस लेके आता है, वुमेन एम्पावरमेंट करता है, ऐसे उन्होंने जो है हर चीज के लिए बहानेबाजी यहाँ पे दिया है। तो ये कुछ कुछ चीजें उन्होंने ये कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उस केस के अंदर, बालाजी केस के अंदर, ये सब नहीं है। अब आपको पता है कि जो प्रेजेंट हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया इस मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम लोग 3 बेंच की एक जज बनाएंगे, एक जो है जजेस की एक बेंच बनाएंगे, जो बालाजी केस वाले जजमेंट को रिव्यू करेगी। अब उसको चेंज करेगी या नहीं करेगी वो बात अलग है, लेकिन कम से कम डिबेट तो शुरू होगी। अलग आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज तो फ्रीबीज के पक्ष में ही रहती हैं हमेशा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई फ्रीबीज की एक हद होनी चाहिए, ठीक है। अब ये फ्रीबी तो ये फ्रीबी है ना, वो ये फ्रीबी से वेलफेयर और फ्रीबी में फर्क समझो क्या है, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ कुछ जो है यहाँ पे डिबेट पहले भी कर चुके इसको टॉपिकों को नया, तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं। खैर मजा आया करने में इसको। द साइबर थ्रेट टू द मोबाइल बैंकिंग, अब जैसे जैसे भैया मोबाइल बैंकिंग बढ़ रही है, कोविड से पहले भी बढ़ रही थी, ऐसी बात नहीं है, COVID-19 के बाद तो भैया हद ही हो गई। अगर आप किसी मेट्रो सिटीज में रहते हो, जैसे दिल्ली वगैरह में रहते हो, तो 5 रुपए के भी लिए लोग जो है कैश नहीं देते हैं आजकल, ठीक है, और हर 2 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की पेमेंट आप जो है ऑनलाइन करते हो। आप जो है रेडी के ऊपर सब्जियां लेने जाते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, हर चीज की पेमेंट ऑनलाइन होती है अब। लेकिन जब सुविधाएं आती हैं तो उसके साथ थ्रेट भी आता है। थ्रेट क्या है, मालवेयर का थ्रेट होता है, ट्रोजन बोलते हैं इसको, ट्रोजन, ठीक है। ये ट्रोजन अगर आपने मूवी देखी होगी ट्रोए,
ट्रोय मूवीज में बेसिकली ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें अंदर क्या होता, तो दुश्मनों के का जो किला था ना, दुश्मनों का जो किला था वो बहुत जबरदस्त था, उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता था। तो दुश्मन जो लोग बाहर खड़े थे अटैक करने के लिए, वो बेचारे कई दिनों तक खड़े रहे, अंदर घुसे तो कैसे घुसे, एकदम बिल्कुल फुल प्रूफ था डिफेंस। और लेकिन ये वाले जो थे ना अंदर वाले, ये गॉड में बहुत बिलीव करते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो बाहर वाली पार्टी बैठी थी, इन्होंने बहुत बड़ा हॉर्स बनाया, बहुत बड़ा, और उस हॉर्स के अंदर जो है वो सैनिक घुस के बैठ गए। अब जब इन्होंने उसको बने हुए देखा गॉड को, उन्होंने यहां पे रख दिया उसको बना के, इनके पड़ोस में रख दिया। तो इनको लगा, अरे यार ये तो भगवान का साइन है ना, भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं दुश्मनों से। तो इन्होंने क्या किया, उसको अंदर ले आए, और इसके अंदर आपको पता है पहले से सोल्जर छुप के बैठे हुए थे घोड़े के अंदर। तो रात का जब हुआ समय, जब सो गए, तो भाई इन्होंने यहाँ पे आतंक मचा दिया और यहाँ से गेट ओपन कर दिया। अब इस गेट से सब ये लोग अंदर आ गए, और भैया इस तरह से ट्रोय की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो इसे ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। तो ट्रोजन हॉर्स मतलब एक ऐसी चीज होती है जो आपके आपको अटैक करना चाहती है, लेकिन वो आपको अटैक ऐसे तरीके से करती है आपको पता नहीं चलता है। आपको लगता है कि वो बिल्कुल लीगल है, लेजिटिमेट है, लेकिन उसके अंदर जो है उसकी इंटेंशन खराब होती है। जैसे आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आपको लिखने में लगता है कि बड़ी जेन्युइन एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन कोई भी चीज की हो सकती है, एनसीईआरटी की एप्लीकेशन हो सकती है, कोई गेम की एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर जो कोडिंग होती है, आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया तो समझो ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा वो, ठीक है। आपका डेटा चुरा लेंगे, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह चुराई जा सकती है। तो इस तरह से काम करता है। और एंड्रॉइड वालों के ऊपर तो खुद ज्यादा अटैक होता है, आईओएस वालों की भी अटैक होता है। तो टर्की, इंडिया, चाइना, कंबोडिया, हर कंट्री में भैया यहाँ पे अटैक होते हैं। इनके नाम आपने याद करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन सी एप्लीकेशन है एंड ऑल दैट, बाकी इसमें कुछ फालतू था बकवास है सब कुछ, ठीक है। बस ये थोड़ा सा आपको देखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्यूचर में इसको दूर करने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर को भैया लगातार अपडेट करो, अपने पासवर्ड वगैरह किसी को मत बताओ, ठीक है। कोशिश करो कि अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को जो है अच्छे तरीके से जो है आप यूज करो। इंटरऑपरेबिलिटी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है स्टेप ले सकती है। तो खैर ये था, इसमें तो कुछ ज्यादा था नहीं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला टॉपिक, ठीक है, जापान के अंदर जो है जेंडर पैरिटी का ये टॉपिक है। और जैसा कि हमें लगता है कि भैया जापान एक डेवलप्ड नेशन है भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज्यादा हाईली एडवांस्ड है। लेकिन जब आपके पास पैसा आ जाता है ना, पैसा आने से जेंडर इक्वालिटी आएगी ऐसा जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। पैसा आने से विजडम आएगा, सद्बुद्धि आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। पैसा आपकी जेब में होता है और सद्बुद्धि आपके ब्रेन में होती है, आपके दिल में होती है। तो पैसे से सिर्फ आप जेब भर सकते हो, सद्बुद्धि आपके लिए जरूरी नहीं है कि सद्बुद्धि वहां से आए, समझ रहे हो ना बात। ऐसा बहुत जगह पे देख सकते हो। इंडिया में अगर आपका एग्जांपल दूं तो इंडिया का भी दे दूंगा मैं। आप कुछ नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स को देखो, आप हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, यहाँ पे देखो। राजस्थान को फिर भी छोड़ दो, गरीब कंट्री स्टेट है। आप हरियाणा को देखो, पंजाब को देखो, वेस्टर्न यूपी को देखो, कंपैरेटिवली काफी अच्छा है वो, इकोनॉमिकली अच्छा काम करते हैं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम वगैरह सब अच्छी है यहाँ पे। बट स्टिल अगर वहाँ पे सोशल अगर आप नॉर्म्स को देखो, ठीक है, आज भी वहां पे पैट्रियार्की बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेविलेंट है। खाप पंचायत वगैरह होती हैं, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने दिया जाता, मोबाइल फोन वगैरह यूज नहीं करने दिया जाता बहुत जगह पे, ठीक है। मतलब बहुत जगह पे नहीं करने दिया जाता, बहुत जगह पे करने दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि हर जगह बंद है, ठीक है। बट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी से सोशल जस्टिस भी आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जापान इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं दोस्तों, एक होती है रिसोर्सेज और एक होता है माइंडसेट। इस आर्टिकल में माइंडसेट को इन्होंने बोला है जेंडर नॉर्म्स, ठीक है। दो चीजें होती हैं। अब जापान के अंदर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो चाहे वीमेन हो चाहे वहां पे मेन हो, रिसोर्सेज आप ये समझ लीजिए दोनों को बराबर ही अवेलेबल है। जैसे कि वहां पे एग्जाम्पल में देखा जा सकता है, जैसे एजुकेशन अटेनमेंट, एजुकेशन ग्रहण करने में वीमेन और मैन बिल्कुल इक्वल है, कोई डाउट नहीं। इवन जो OECD कंट्रीज हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले स्किल हो, जापान जो है वो टॉप करता है। तो रिसोर्सेज तो उनके पास हैं, लेकिन जेंडर नॉर्म्स और माइंडसेट आज भी जो है वो डेवलप वहां पे हुआ नहीं। ऐसा ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अंदर
जापान जो है वो 116th रैंक पे है, और इसके बाद आप समझ ही सकते हो कि जो कंट्री होंगी उनकी हालत कितनी खराब होगी। इंडिया भी उन्हीं के अंदर आता है खैर, ठीक है। सबसे लोवेस्ट रैंकिंग में है जो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जापान, जेंडर पैरिटी के अंदर, समझ रहे हो। अब इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, आप रीजन ये समझ लीजिए कि जापान में आज भी पॉलिटिक्स के अंदर और जो वहाँ की जो बिजनेस बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह होती हैं, ठीक है, और वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसमें वीमेन का पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। दुनिया की 130 कंट्री से भी नीचे है जापान। जब पार्लियामेंट के अंदर वीमेन की और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे मैनेजरियल लेवल पे, मैनेजमेंट लेवल पे वीमेन वहाँ पे है ही नहीं। अब ये समझ लीजिए सिर्फ 10% वीमेन का जो है वो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ की पार्लियामेंट में, जबकि आप दूसरी G7 कंट्री में देखो तो 30-40% है। तो एक तो यहाँ पे वो लैग करता है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि आप जैसे जापान में इलेक्शन होते हैं ना, तो जैसे हमारे यहाँ पे नेता जो है कुछ भी बकवास करते रहते हैं महिलाओं के लिए, रिलीजन के लिए, ऐसे ही जापान में भी देखने को मिलता है। इलेक्शन सीजन में जापान के नेता लोग महिलाओं के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, फिर बाद में माफी मांगते रहते हैं जब उनके खिलाफ ट्विटर वगैरह पे वो सब चलता है, वो जापान में काफी नॉर्मल है। तो जापान के पार्लियामेंट में जो है सेक्सिस्ट बयान दिए जाते हैं, मिजोजनिस्टिक बयान दिए जाते हैं, वहां के जो बोर्ड रूम है कंपनीज वगैरह के अंदर उनमें महिलाओं को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है जापान के कल्चर में। जापान का कल्चर हिस्टोरिकली काफी पैट्रियार्कल रहा है, तो वो चीजें जो है उनके दिमाग से निकल नहीं रही। अब ये समझ लीजिए कि जापान में कुछ सालों तक, अभी कुछ सालों तक, इवन कई जगह पे भी होता है, जो मेडिकल स्कूल्स के लिए एग्जाम होते हैं PMT वगैरह के, जो मतलब बेसिकली वहां के जो PMT है, उनमें महिला फीमेल कैंडिडेट को सपोर्ट ही नहीं किया जाता। 70% से ज्यादा वहां पे जो मेडिकल के अंदर जो जाते हैं कैंडिडेट वो मेल कैंडिडेट होते हैं। क्यों? उनका ये मानना है कि अगर ये महिलाएं डॉक्टर बन जाएंगी, कल को इनकी शादी हो जाएगी, कल को इनको बच्चे भी संभालने हैं, तो ये जॉब को छोड़ देंगी, इसलिए अच्छा है कि इनको भर्ती ही मत करो। ये वहां का जो है नैरो माइंडसेट है, और ये माइंडसेट आपको वहां हर जगह नजर आता है, वहां की पार्लियामेंट में भी नजर आता है, हर जगह नजर आता है। अब इसके एक दो एग्जांपल आपको मैं आगे भी दूंगा जरूर, ठीक है। तो एविडेंस क्या सजेस्ट करते हैं कि भैया हाई पर कैपिटा इनकम होने से आप जो है जेंडर इक्वालिटी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले भी आपको ये मैं बात कर चुका हूँ, जेंडर इक्वालिटी आती है वहां के कल्चर से, वहां के सोशल नॉर्म से आती है, जो कि जापान के अंदर नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जापान के अंदर एक टर्म यूज की जाती है जिसका नाम है कनाई। जैसे यहां पे हमारे महिलाओं के लिए क्या यूज किया जाता है टर्म, बच्चों के लिए जो फीमेल होती हैं, पराया धन करते हैं ना, पराया धन। ऐसे ही जापान में भी एक यूज की जाती है टर्म कनाई, जिसका नाम होता है वन इनसाइड द हाउस। ये वहां पे महिलाओं के लिए बहुत आम सी बात है, इसको यूज किया जाता है। और मर्द के लिए क्या यूज किया जाता है टर्म, सैलरीमैन, कि भैया ये बाहर जाके कमाएगा और महिला जो है घर के अंदर रहेगी चार दीवारी के अंदर। ये सब वहां पे यूज किया जाता है, समझ रहे हो बात, ये आप समझ गए होंगे। अब बात एक और है, जापान का कल्चर बड़ा अजीब सा है। जापान के अंदर ऑफिस के अंदर 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे बैठने का रिवाज है। जापान के अंदर ये माना जाता है कि जो आदमी ऑफिस में जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वो उतना ही ज्यादा मेहनती है। तो जब तक जापान के कंपनी के अंदर बॉस अगर कंपनी में बैठता है तो एम्प्लॉइज घर नहीं जाते। ये बड़ा जबरदस्त कल्चर है वहां पे, अजीब सा कल्चर है। अगर बॉस 15 घंटे बैठेंगे तो एम्प्लॉय भी 15 घंटे बैठेंगे, चाहे वो कुछ ना करें, बैठ के पबजी खेलें, समझ रहे हो। इसकी वजह से क्या होता है, महिलाएं वहां पे अच्छी जॉब के अंदर ऑफिस वगैरह में उनको पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, क्योंकि भैया अगर बॉस 15 घंटे बैठेगा तो महिलाएं 15 घंटे थोड़ी बैठेंगी, है ना। उनको अपनी फैमिली का टेक केयर भी तो करना है ना, अब उनको घर पे भी आना, उनकी अलग नीड्स भी होती हैं। तो इसी वजह से वहां पे महिलाएं बेचारी क्या हो गया, वो पार्ट टाइम जॉब करती हैं मैक्सिमम, और लो पेइंग जॉब्स करती हैं, जैसे सेक्रेटरी, असिस्टेंट्स और वो रिसेप्शनिस्ट, वो सब का वो एजुकेशन है उनके पास, प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद जो है वहां पे एक ग्लास सीलिंग आ जाती है, वो सब चीजें बंद हो जाती हैं। आप ये सोच के देखिए, आप ये देख के सोचिए कि जापान में महिलाएं मर्दों से 57% कम अर्निंग करती हैं, जो कि OECD कंट्रीज में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। इतना ज्यादा वेज गैप है, इतना तो इंडिया में भी नहीं है,
तो इससे हमने क्या सीखा? अब पहले तो कंसिक्वेंस क्या है? कंसिक्वेंस ये है कि वहां की महिलाओं ने शादी करना ही बंद कर दिया। अगर वो शादी करती हैं तो ऑफिस में उनका एंट्री नहीं मिलता, अच्छी जॉब उनको नहीं मिलती, तो इसलिए लोगों का वहां से शादी से विश्वास ही उठ गया। क्योंकि नई जनरेशन है, करियर ओरिएंटेड जनरेशन है, तो मानती है कि शादी अगर करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, तो उनके करियर में बाधा पड़ती है, क्योंकि वहां सोसाइटी की सोच ही ऐसी है। ठीक है, तो ये समस्या वहां पे सबसे बड़ी हो गई है भैया। फर्टिलिटी लेवल वहां पे 1.3 हो गया है, तो जापान की पॉपुलेशन घटना शुरू हो गई है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है केयर गिविंग की और मदरहुड की। प्रमोट नहीं किया जाता वहां पे मदरहुड को जापान के अंदर, और उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि लोग मैरिज नहीं करते, सिंगल रहना पसंद करते हैं, और सिंगल लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, कंजप्शन कम करते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आप किसी की फैमिली होती है तो अपने घर में रहना पसंद करते हैं, घर खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जो सिंगल लोंडे होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो रेंट पे रहते हैं भाई, है ना, हल्का फुल्का छोटा 2-4 हजार रुपये रेंट पे ले लेंगे, वहीं पे पूरी जिंदगी बिता देंगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे इकोनॉमी भी डिक्लाइन हो रही है। एक तरफ तो इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है क्योंकि कंजप्शन कम हो गया है, इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, दूसरी तरफ से पेंशन का बर्डन बढ़ गया है क्योंकि पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, एजिड हो रही है। तो ये समस्याएं जापान के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, समझ रहे हो। इसका सॉल्यूशन क्या है? शिंजो अबे जी, खैर अभी तो वो नहीं रहे, शिंजो अबे ने एक जो है वीमन वीमन इकोनॉमिक्स के नाम से एक टर्म दिया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना जरूरी है, और 2020 तक इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग 30% कर देंगे, ऐसा शिंजो अबे ने कहा था। हालांकि इसको वो फुलफिल नहीं कर पाए, पार्लियामेंट का छोड़ो, खुद की पार्टी के अंदर फुलफिल नहीं कर पाए, उनकी खुद की पार्टी में जो है 5 से 7% महिलाएं थी। खैर, तो इसको उन्होंने अभी 2030 तक कर दिया है, ये टारगेट है जापान का। और वो तो सिर्फ पार्लियामेंट में है, प्राइवेट कंपनीज में तो छोड़ दीजिए आप, वहां तो बहुत समय लगेगा। अब ये हमारे लिए क्या लेसन हो सकता है इंडिया के लिए, बात समझाने की वैसे जरूरत तो नहीं, आप समझ ही गए होंगे। तो बात ये है कि भाई सिर्फ एजुकेशन देना महिलाओं को वो काफी नहीं है, एजुकेशन के साथ साथ लोगों का माइंडसेट करना दूर वो भी जरूरी है। तो उनकी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करिए, जॉब मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करिए, महिलाओं को आगे आने दीजिए, ठीक है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जॉब्स हो, मैनेजरी लेवल पे हो। तो अगर इंडिया ऐसा जापान की तरह ऐसा ना बने, इसके लिए हमें अभी से कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि तो ये सिर्फ इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशल और कल्चरल प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप समझना कि यहाँ पे जरूरत है। चलिए एक छोटा सा आर्टिकल हो रहा है इसके बारे में, हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ, वैसे तो कोई यूपीएससी की परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 2-3-4 मिनट का समय लूंगा, से ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए, आपके पास जो है 3 सॉरी 6 नंबर का जो है पिन कोड होता है, जब चिट्ठी वगैरह लिखते हैं ना तो वहां पे लिखने के काम आता है। तो इस पिन कोड का जो पहला नंबर होता है वो रीजन शो करता है, आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, नॉर्थ रीजन, साउथ इंडियन, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरह से। जो सेकेंड वाला जो डिजिट होता है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि आप उस रीजन में कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। थर्ड डिजिट क्या बिलोंग करता है, ये कहता है कि उस स्टेट में आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन से तालुक से हो, इसको डिनोट करता है। ठीक है, तो एक तो पिन कोड के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। अब पिन कोड अगर आप नहीं लिखते हो चिट्ठी के ऊपर, तो भैया पोस्ट ऑफिस वालों को बहुत दिक्कत हो जाती है आपके चिट्ठी को सोर्ट करने में, कि भेजे तो इसको भेजे कहाँ, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हमारे लिख दिया भाई वहां पे अमित सनोव सुमित, आपने ये लिख दिया खाली, ठीक है, गांव का नाम भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, लेकिन पिन कोड नहीं है। अब ये अमित सनोव सुमित जो है आपके एरिया में कई सारे हो सकते हैं, कहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिटेल के लिए जो है सोर्टिंग के लिए पिन कोड बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप चिट्ठी लिखते हो तो पहले वो कहाँ जाता है, सोर्टिंग ऑफिस में जाता है। सॉर्टिंग ऑफिस में लोग उसको अपने पिन कोड के हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से उसको सॉर्ट करते हैं, तो उसके बाद जो है वो हर जगह पे आसानी से पहुंच सकता है। तो ये जो है थोड़ा तरीका होता है पोस्ट ऑफिस में। तो 1972 में जो है, 15 अगस्त 1972 को इंडिया में सबसे पहली बार जो है इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, बाकी अमेरिका वगैरह में वहां पे पहले से चल रहा था सिस्टम। ठीक है, तो एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है ताकि डिलीवरी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। यहाँ पे एक चीज और आपको मैं बताता चलूँ, यहाँ पे बीट सिस्टम होता है, बीट सिस्टम। तो पहले तो वो जो है नेशनल लेवल पे उसकी सॉर्टिंग होती है, फिर स्टेट लेवल पे सॉर्टिंग होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉर्टिंग होती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉर्टिंग होने के बाद आपका जो लोकल, एक आपका लोकल भी तो पोस्ट ऑफिस होता है ना आपके तालुक का,
या जो भी एरिया वो कवर करता है, उस लोग उस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो है फिर वो अलग अलग मोहल्ले होते हैं, है ना, ये वार्ड, दो वार्ड, तीसरा वार्ड, चौथा वार्ड, ये गांव, दो तीन गांव, उसको बोलते हैं बीट, जहां पे एक्चुअली में आपका डाकिया आता है। तो एक डाकिये को जो है एक बीट उसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग हर बीट को डिसाइड करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। अब आप आजकल तो चिट्ठी नहीं लिखते हो, ठीक है, पुराने जमाने में हम चिट्ठियां लिखा करते थे, आजकल तो क्योंकि मोबाइल का जमाना आ गया है ना, हर चीज मोबाइल से होती है, आपने ईमेल कर दिया किसी को, व्हाट्सएप कर दिया, तो वो चिट्ठियों का जमाना तो गया। आजकल यूजली क्या होता है, आपने कोई अमेजोन से कोई ऑर्डर मंगवाया या आपका कोई डॉक्यूमेंट होता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो वो सब आता है। तो पिन कोड अगर आप उसके ऊपर डालते हो तो काफी इजी हो जाता है, अच्छी फास्ट डिलीवरी हो जाती है। तब तो चिट्ठियां नहीं लिखते, पहले आर्मी में लोग चिट्ठियां लिखते थे, फिर तभी गाने बनते थे, संदेश से आते हैं। आजकल तो गाना बनेगा नहीं, आज तो गाना बनेगा व्हाट्सएप आया है, व्हाट्सएप, तो उतनी खुशी भी नहीं होती क्योंकि हर दूसरी सेकंड व्हाट्सएप आ जाता है। चिट्ठी तो भाई महीने, छह महीने में, साल में आया करती थी। एक मैं मुझे खुद याद है, हम जब छोटे हुआ करते थे, जब हमारी सिस्टर की शादियां हो गई थी, तब उनको चिट्ठियां आया करती थी, तो एक घर में ऐसे ना फेस्टिवल का माहौल होता था कि दीदी की चिट्ठी आई है, ठीक है। फिर बाद में लैंडलाइन फोन आ गए, फिर मोबाइल फोन आ गए, अब वो बात नहीं रही है ना, वो एक फेस्टिवल होता था एक तरह से, पूरे घर वाले बैठ के उसको पढ़ते थे, रात को पढ़ते थे, फिर अगले दिन फिर पापा जो है दोपहर को उसको पढ़वाते थे, वो 10-15 दिन तक उसको पढ़ते ही रहते थे हम लोग, जब तक वो बिल्कुल बेचारा हाथ लग के बेकार नहीं हो जाता था। तो एक वो अलग जमाना था, ये अलग जमाना है, इसकी अपनी अच्छाइयां हैं, उसकी अपनी अच्छाइयां थी, खैर। तो सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं हम इसका? पहली बात तो ये कि ये जो सॉर्टिंग सिस्टम होता है, सॉर्टिंग सिस्टम एक्चुअली मैन्युअली किया जाता है, पता है आपको, मैन्युअली किया जाता है। लोग हाथ से आपके पिन कोड को देख के आपकी चिट्ठियों को कैटेगराइज करते हैं। तो होता क्या है ना, इस तरह के बॉक्स बने होते हैं वहां पे पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो यहाँ पे ऐसे आदमी बैठे रहते हैं, तो उनके साथ में ऐसे ढेर लगा रहता है चिट्ठियों का, तो उस चिट्ठी को देखते हैं, उसके पिन कोड को पढ़ते हैं, और जहां से वो बिलोंग करता है उसको कैटेगराइज कर देते हैं। तो ये मैनुअली काम होते हैं, इसलिए काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इसको अगर मशीन से करें, और यहाँ पे कई बार एरर भी हो जाती है, ह्यूमन एरर तो नेचुरल सी बात हो ही जाती है, है ना, तो इसको मशीन से कर सकते हैं ताकि चीजें फास्ट हो जाएंगी। सबसे पहली चीज तो हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया पोस्ट मतलब जो सरकारी पोस्ट है उसका कॉम्पिटिशन किसके साथ है? कोरियर सर्विस के साथ, है ना, जो कोरियर सर्विस होती है सिटीज के अंदर, उनके साथ कंपटीशन है। तो भाई उनके साथ कंपटीशन है तो कम से कम कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप रेलेवेंट रहो, तो ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कही। और बीट सॉर्टिंग जो की जाती है उसको भी हम लोग मशीनों से कर सकते हैं, और आपके जो डाकिया का जो मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है लोकल डाकिये का, ताकि आप खुद जाके जो है अपने चिट्ठी को जो है ले लो, है ना, वो सब किया जा सकता है। तो 6-डिजिट पिन कोड के अंदर हम लोग बीट कोड भी डाल सकते हैं ताकि एग्जैक्ट पता चल जाए कि कौन से मोहल्ले में इसको भेजना है। कुछ कुछ जो है इन्होंने यहाँ पे बोला है आप कर सकते हो। यूपीएससी के परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मुझे खुद काफी अच्छा लगा पर्सनली, तो मैंने सोचा आपको भी करवा देता हूँ, ठीक है। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास है जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, एनालिसिस अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।